एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है ऑन यूज अमेज़न ब्यूटी हॉल। और इसमें मैंने बहुत सारे ज्वेलरीज लिए हुए हैं, ज्वेलरीज एंड ब्यूटी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ज्वेलरीज तो आजकल सभी परचेज करते हैं। और देखिए, जब भी ज्वेलरी या कोई चीज आप परचेज करते हैं बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मैंने बहुत ही पहले से सर्च करके रखा हुआ था, देन आफ्टर मैंने इसे बाय किया हुआ है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आए तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि कहाँ से क्या लू नहीं लू। और एक्चुअली इसलिए क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी मिल जाएंगे, तो उन लिंक को आप क्लिक करके उनसे बाय भी कर सकते हो। दैट इज माई हॉल स्टोर लिंक, सो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आई थिंक आपका समय भी बच जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। और सभी बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है जो भी प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं मैंने क्या क्या परचेज किए हुए। सो सबसे फर्स्ट आई हैव दिस वन, एंड ये है साइनिंग दीवा फैशन का ज्वेलरी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, मतलब बहुत ही सुंदर सा है। एंड ये आप देख सकते हो इस तरह से आता है, इनकी पैकेजिंग आपको ये कार्डबोर्ड की पैकेट में आता है और पैक होके अच्छे से आता है। मीन्स मैंने इसे ओपन किया हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने हटा दिया है सब कुछ। इस पे आपको बबल स्ट्रैप किए होते हैं जिससे कि ये मटेरियल जो है वो खराब ना हो या टूटे नहीं इस तरह से। सो ये जो है ये इस तरह का पर्ल चोकर है, मीन्स इसका ये डिजाइन बहुत ही सुंदर है। ये पर्ल्स के लगे हुए हैं इसमें, बहुत ही सुंदर है एंड व्हाइट कलर के, मीन्स ऑफ व्हाइट में ये है। एंड ये आपको इस तरह से मिलता है, जो कि यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेंगे। एंड इसमें ये बहुत लॉन्ग सा है, आपको मतलब डालने के लिए इजिली आप डाल सकते हो इस तरह से। इसमें बैक साइड में भी यहाँ पे डाला हुआ है, मोती लगे हुए हैं। एंड ये आप छोटा और बिग जो भी करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो इस तरह से इसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं इसमें दो इयररिंग्स, मीन्स टॉप टाइप के हैं इयररिंग, बहुत ही सुंदर से है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये ट्रेडिशनल टाइप का है, सो अगर आप साड़ी वगैरह पहनते हो, चाहे आप साड़ी पहनो या गाउन पहनो, उसके साथ ही बहुत ही अच्छा दिखेगा। सो इसके इयररिंग्स इस तरह से आपको मिल जाते हैं, इस तरह से हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। एंड ये देख सकते हो इतनी साइज है इसकी, एंड इसकी जो प्राइस है वो 300 रुपीज का है। आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने इसमें रेड एंड ग्रीन का लिया हुआ कॉम्बिनेशन, तो इस तरह से आप चाहे तो क्रीम में मिलता है, मीन्स ऑफ व्हाइट, क्रीम, गोल्डन, बहुत सारे कलर्स हैं अवेलेबल, तो आप देख सकते हो। सेकेंड आई हैव दिस वन, ये सूखी का है। एंड ये भी बहुत, इसके मैंने बहुत सारे पहले भी ज्वेलरीज लिए हुए हैं, इसकी भी ज्वेलरी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये भी कार्डबोर्ड का ही पैकेट है, इसको आप ओपन करते हो तो आपको मिलते हैं ये जो है ना, ये गोल्ड प्लेटेड मल्टीपल लेयर का पर्ल लगा हुआ है इसमें। सो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी है, ये देख सकते हो। एंड ये भी साड़ी या कोई भी चीज के साथ, लाइक हैवी सूट है या कुछ भी है, उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच करेगा। एंड ये गोल्डन कलर का है, गोल्ड प्लेटेड है ये गोल्डन, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिजाइन बना हुआ है। यहाँ भी पर्ल लगे हुए हैं एंड ये बहुत सारे मल्टीपल लेयर, मीन्स इसमें 4 लेयर्स लगे हुए हैं इस तरह से। एंड बीच बीच में इस तरह से ये ज्वाइंट भी किया हुआ है, जिससे कि ये मतलब इधर उधर ना बिखरे। एंड ऊपर साइड में आपको ये बिग एंड स्मॉल करने के लिए दिए हुए हैं, बहुत ही लॉन्ग इसके ये धागे दिए हुए हैं, जिससे कि आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। एंड इसके साथ जो आपको इयररिंग मिलते हैं वो ये हैं, जो कि झुमके डिजाइन में है और इसमें भी एक पर्ल लगे हुए हैं मोती। सो बहुत ही अच्छा दिखता है ये इस तरह से है। और ये भी हैवी टाइप में ज्वेलरी है, मीन्स शादी वगैरह में आप चाहें तो इसे जरूर से वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा। एंड इसकी भी प्राइस आपको 300 से कम में ही आई थिंक है, मीन्स प्राइस बहुत अच्छा है इसका। वैसे तो आप देखोगे ना प्राइस जो रहते हैं, जो रियल प्राइस उसके दिए हुए होते हैं, वो तो 2000 एवब के टाइप से दिए हुए होते हैं, बट अमेज़न से आपको बहुत ही कम प्राइस में ये मिल जाते हैं, 500 के बिलो ही हैं। उसके बाद हमारे पास है ये, और ये तो मतलब आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। ये ना मैंने बहुत सारे, एक्चुअली सीरियस आप देखो या फिर कुछ भी ऐसा देखते हैं ना, मतलब कॉमन मुझे बहुत बार ये दिखा था, लेकिन जब भी मैं अमेज़न पे देख रही थी मुझे मिल ही नहीं रहा था, बट नाउ ये मैंने ले लिया हुआ है। एंड ये इसी तरह के पैकेजिंग में आती है और इसमें लेयर्स बहुत सारे होते हैं। ये एक्चुअली ब्राइडल के लिए परफेक्ट रहेगा, ब्राइडल हो या फिर आप कोई भी हो सकते हैं, बट साड़ी जो भी प्रोडक्ट्स है ना साड़ी के लिए, सूट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, हैवी
हैवी टाइप की ज्वेलरी है, सो दैट्स व्हाई आप हैवी वाले कुछ पहनते हो तो उस पर ज्यादा अच्छा दिखेगा। एंड ये जो ब्रांड है ये जावेरी पर्ल्स का है एंड ये बहुत अच्छी तरह से पैकेजिंग इसकी रहती है। सो इस तरह से मैंने इसका पिन निकाल दिया हुआ है। सो ये इस तरह के हैं, बहुत सुंदर से दिखेंगे आपको, ये देख सकते हो इस तरह से। सो ये मैंने लिया हुआ है नेक्स्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। इसके साथ में आपको इयररिंग्स मिल जाते हैं। सो आप देखिए इसमें कितने सारे लेयर्स हैं, 3 लेयर्स में ये हैं बने हुए और सब में झुमके लगे हुए। इसमें एक्चुअली कुंदन विद पर्ल्स दोनों लगे हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिजाइन, ये पर्ल्स छोटे छोटे बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। इसमें भी आपको सिल्वर गोल्ड टाइप से मिल जाते हैं, ये मैंने गोल्ड प्लेटेड में लिया हुआ है एंड इसकी प्राइस आई थिंक 400 समथिंग का है ये भी। सो मतलब 500 के अप्रॉक्स में है। सो ये थोड़ा कॉस्टली में था बट ये भी 500 के नीचे ही है। सो बहुत अच्छा दिखता है एंड जावेरी पर्ल्स जो होते हैं उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिटरली बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इसके पहले भी लिए हुए हैं प्रोडक्ट, बहुत अच्छे लगेंगे आपको और जल्दी खराब वगैरह भी नहीं होता। सो इस तरह के इयररिंग्स इसमें अवेलेबल थे, तो ये इयररिंग्स हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है नेकलेस, दैट्स व्हाई इसका जो इयररिंग्स है वो बहुत हैवी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट ज्वेलरी जो है हमारे पास नेक्स्ट में वो है ये ज्वेलरी जो है मैंने थोड़े लाइट वेट में लिए हुए हैं क्योंकि ज्यादा ही हैवी सब हो रहा था, दैट्स व्हाई। एंड ये सूट के साथ, साड़ी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये इस तरह से हैं, इसमें देख सकते हो आप। एंड ये जो सेट है ये भी सूखी का ही है, सो ये भी ब्रांड बहुत अच्छे है। सो इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, उसपे ये स्टोन्स लगे हुए हैं एंड इसके साथ में आपको मिलते हैं ये इयररिंग्स। सो इस तरह के इयररिंग्स भी मिल जाएंगे आपको। इसकी जो प्राइस वो आई थिंक 200 समथिंग का ही है। सो प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा था तो मैंने इसे ले लिया हुआ है। सो ये सभी हमारे पास थे जो कि मैंने लिए हुए हैं ज्वेलरीज में। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बहुत सारे अफोर्डेबल मेकअप के प्रोडक्ट्स, तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो मैंने क्या क्या लिए हुए एंड जो भी प्रोडक्ट्स है मेकअप के भी वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास है स्विस ब्यूटी का, ये लिपस्टिक मैंने लिया हुआ है। ये लिपस्टिक जो स्विस ब्यूटी ब्रांड जो है बहुत अच्छे अफोर्डेबल ब्रांड है, उसमें मैंने सबसे अच्छा मुझे ये लिपस्टिक दिख रहा था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ये 230 नंबर शेड है एंड ये इस तरह से है, मैट लिपस्टिक टाइप्स में है। इसके जो शेड से थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे, ये देखिए ये शेड है इसके, बहुत अच्छा दिख रहा था, ब्राउनी शेड में है एंड नॉट न्यूड बट बहुत अच्छा मैट लिपस्टिक है। सो ये 200 रुपीज का लिपस्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये स्विस ब्यूटी का मस्करा है एंड इसकी जो पैकेजिंग थी ना वो आई जस्ट लव इट। सो ये बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे क्योंकि ये ना इतना अच्छा क्लासिक लुक देता है ना, आप देख सकते हो ये इस तरह से है एंड यहाँ पे पूरा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन स्विस ब्यूटी का, ये मस्करा प्रिसीजन लॉन्ग लास्टिंग है एंड ये इस तरह से ओपन होता है एंड इसका जो ब्रश है वो भी बहुत अच्छा है। सो ये इस तरह से मतलब बहुत ही सुंदर सा ब्रश भी दिया हुआ है इसमें। तो ये मैंने लिया हुआ है ब्लैक एंड सेड का है, इसका जो मस्करा कलर ब्लैक है एंड ये जो मस्करा है ये 170 समथिंग का है, मीन्स 170 समथिंग में ही दिया है तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे लगा तो मैंने इसे लिया हुआ है। नेक्स्ट आई है फेसेस कनाडा का, ये है काजल और ये मैंने दो पहले भी यूज किए हुए, नेक्स्ट अगेन मैंने इसे ही बाय किया हुआ है। एक्चुअली ये पैराबेन फ्री वगैरह है और आईज के लिए थोड़ा सा अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कि आई पे कोई इफेक्ट ना हो, दैट्स व्हाई। और इसकी जो प्राइस है वो इसमें लिखी हुई 180 रुपीज बट ये 150 समथिंग का आपको मिल जाता है या 140, हाँ ऐसे कुछ है। तो ये फेसेस कनाडा का काजल है, ब्लैक इन कलर का है एंड ब्लैक सीड है इसके एंड ये बहुत अच्छा होता है। सो आप इसे मस्ट एक बार डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ट्राई करो, अगर आप काजल यूज करते हो ना तो ये जरूर से ले सकते हैं आप। उसके बाद मैंने लिया हुआ है ये एंड ये है लैक्मी परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन लैक्मी का एंड ये तो बहुत सभी को पता होगा, मतलब बहुत ही ये फेमस फाउंडेशन है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है
एक्चुअली मेरे पास लैक्मी 9 to 5 वाला भी है और वेट एंड वाइल्ड, फिर मैबलिन, बहुत सारे हो गए हैं। तो ये मैंने ट्राई कर लिया, ये मैंने आज तक यूज ही नहीं किया हुआ था, उतने अच्छे अच्छे हमारे पास, बट ये हमारे पास नहीं था तो मैंने इसे भी परचेज कर लिया हुआ है। एंड ये फाउंडेशन जो है ये सबके लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो बिगनर हो या फिर हॉस्टल में रहते हो, कॉलेज में, कोई भी हो, आप मस्ट बाय कर सकते हो क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये। एंड इसमें मैंने लिया हुआ है नेचुरल पर्ल, मीन्स मेरा जो सेड नंबर है वो, सेड नेम है वो है नेचुरल पर्ल। एंड इसके जो प्राइस है वो 140 रुपीज का है, तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको फाउंडेशन मिल जा रहा है, तो ये मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास ये, एंड ये सुगर कॉस्मेटिक का मैंने ब्लश लिया हुआ है। एंड इसके ब्लश बहुत अच्छे होते हैं, ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम परचेज किया हुआ है, मतलब सुगर के प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम लिए हुए हैं। ये इस तरह से है, मतलब ये आप देख सकते हो इसमें दिए हुए हैं। एंड इसका जो शेड था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह से बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो ब्लश है ये, एंड इस पे इस तरह से आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव अगेन स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सचर है, एंड ये मेकअप फिक्सचर जो है बहुत अच्छा है स्विस ब्यूटी। एक्चुअली मैंने बताया ना कि ये बहुत अफोर्डेबल में मेरे को प्रोडक्ट लगता है इसका, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया हुआ है। एंड ये मेकअप फिक्सर है, मीन्स आफ्टर मेकअप इसे आपको यूज करना है, एंड इसी प्राइस 180 रुपीज का है, तो प्राइस वाइज ये बहुत अच्छा था। मेकअप फिक्सर है ये, स्प्रे होता है। देन आई हैव दिस NYV का ये लिपस्टिक है, एंड NYV भी बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है, दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज किया हुआ है। एंड इसकी प्राइस है 117 या 110, आई थिंक ऐसा ही कुछ था, तो 110 रुपीज में ये मिलते हैं। एंड ये मैंने ये इस तरह से पिंक इन शेड का है, आप देख सकते हो, ये मेरा सेड नंबर 18 है। उसके बाद मैंने लिया हुआ है ये लैक्मी का बहुत ही ज्यादा फेमस वाला, ये है प्राइमर, एंड ये प्राइमर बहुत ज्यादा फेमस है। ये मैंने एक्चुअली लैक्मी का फर्स्ट टाइम लिया हुआ है, मेरे पास पहले से ब्लू हेवन वगैरह के थे, ये मैंने सोचा ट्राई के लिए लिया जाए, एंड बहुत अच्छा, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। एंड प्राइमर का यूज होता है कि बिफोर फाउंडेशन आपको अप्लाई करना होता है, एंड इसका जो शेड है ना वो लिटिल पिंक टाइप में है, सो आपके फेस को थोड़ा मैट एंड पिंकिश लुक भी देता है, तो बहुत ही सुंदर सा ये प्राइमर है। एंड इजिली ब्लेंडेबल है, मतलब बहुत अच्छा लगा, और कभी भी मेकअप आप लगाते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा प्राइमर मस्ट वाला रखना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी मेकअप कर लो अगर प्राइमर लगाते हो तो उससे आपको पिंपल्स वगैरह ये सब नहीं होते, दूसरा मेकअप आपका जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ब्लैक नहीं होता है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। सो ये मैंने नेक्स्ट लिए हुए हैं, लैक्मी का था ये, एंड इसकी प्राइस लिटिल कॉस्टली है। फिर अगेन स्विस ब्यूटी का हमारे पास ये पैन स्टिक है, सो पैन स्टिक फाउंडेशन, लाइक कि आप कहीं ट्रैवल वगैरह करते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए ना, तो उसके लिए आप मस्ट वाला ये ले सकते हो। ये पैन स्टिक है, बहुत सुंदर सी पैकेजिंग है, ये इस तरह से है, एंड ये फाउंडेशन का काम करता है, सो देखो आप ये रहा तो इस तरह से, एंड ब्लेंड भी इजिली है, इजिली ब्लेंड हो जा रहा है। एंड ये जो पैन स्टिक है ये 200 रुपीज का है, सो बहुत ही अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट आई हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव दिस NYV का आई लाइनर, एंड ये मैंने ब्लू इन शेड का लिया हुआ है, सो ये इस तरह से है। NYV प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑब्वियसली मैंने बताया कि अफोर्डेबल प्राइस के होते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का है, बहुत सुंदर सा है। एंड इसकी जो, इसका जो ब्रिसल है, मीन्स जिसे अप्लाई होता है, वो भी बहुत अच्छा है। ये 130 रुपीज का है, सो ये मैंने ब्लू में लिया हुआ है, तो अफोर्डेबल प्राइस में है। वैसे आपने देखा होगा सब अफोर्डेबल में, 500 से का कुछ भी नहीं है, चाहे वो ज्वेलरीज हो या फिर मेकअप के प्रोडक्ट हो। सो ये सभी प्रोडक्ट मैंने बाय किए हुए हैं अमेजन से, एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको कुछ लेना हो तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, माई हॉल स्टोर लिंक पे क्लिक करना, उसमें आपको प्रोडक्ट लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से बाय कर सकते हो जो भी आपको पसंद आएगा, सो मस्ट वाला, और सभी बहुत सुंदर है। सो दिस ऑल फॉर टूडेज वीडियो, आई होप वीडियो आपके हेल्पफुल रहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, फ्रेंड फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।